हाँ जी अमित, हाँ। तो आज के वीडियो में हम गूगल पे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले विजय क्या है कि 20 सवालों के ऊपर जवाब देने वाले, ठीक है। तो पहला सवाल, पर्सेंटाइल में 99 परसेंटाइल के अबाव और मार्क्स में 150 के ऊपर आने चाहिए तो मिल जाएगा आराम से, ठीक है, टॉप की ब्रांचेस। तो विजय क्या का जो एवरेज पैकेज है, ठीक है, 24 के पास आउट का वो है 16 LPA। हाँ विजय क्या जो है डायरेक्ट जेई के बेसिस पे एडमिशन लेता नहीं है, कोई OMS की सीट्स नहीं है, ठीक है। तो जो भी जेई मेन्स के थ्रू एडमिशन लेते हैं ना, मतलब एम एच किसी में एक कैपरॉन्ग में, तो उनको सीट्स मिलती है OMS की, आउटसाइड मास्टर्स के स्टूडेंट, ठीक है। और वो सीट्स विजय कैम में अवेलेबल नहीं है, पर तुम किसी और चीज़ या रिजर्वेशन में जेई मीन्स के मार्क्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जैसे CIWGC, NRI, ये सब जो रिजर्वेशन है ना, उसमें 12th के मार्क्स और जेई के मार्क्स चलते हैं, ठीक है। तो विजय क्या की फीस जो है वो 80 to 90 thousand, ठीक है, पर ईयर। तो प्लेसमेंट विजय क्या में अच्छी है, कंपनीज आती है, ठीक है। इस बार जो है 80% प्लेसमेंट हो गई है, 20% नहीं हुई है, मतलब 7 से 8 लोग जो है ना वो मास्टर्स करने जा रहे हैं, एक अप्लाई नहीं कर सकता, और जो बाकी के जो बच्चे, ठीक है, 6 7 और, वो जो है वो उनको मिली नहीं, ये CSIT वाले थे, बाकी का पता नहीं है मुझे, ठीक है। NIRF रैंकिंग क्या है विजय क्या है, गूगल कर लो, मुझे ही पता नहीं है, पर महाराष्ट्र में जो है ना सेकेंड बेस्ट कॉलेज है आफ्टर COEP। हाईएस्ट पैकेज कितना है, हाईएस्ट पैकेज जो विजय क्या का है ना वो है 64 लैक्स पर है ना, ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ हाई गया नहीं अब तक। और जो इस साल का है 24 बैच का जो हाईएस्ट है वो है 50 LPA, ठीक है। अभी इसमें ये समझना कि पैकेज और जो हाथ में सैलरी आती है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो बता देता हूँ, ठीक है, अभी अलग से कहा वीडियो बनाओ, तो क्या होता है अगर तुम्हें, मुझे एक जन मिला था, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो 23 बैच का पास आउट था, और उसकी जो पैकेज था, उसका जो पैकेज था वो था 28 LPA, 28 लैक्स पर एनम, पर उसको जो हाथ में मिलता था ना, ठीक है, जिसे हम बोलते बेस सैलरी, वो था उसका 14 LPA, मतलब उसको हर हर महीने 1 1 लाख रुपए मिलेंगे बस, पर ठीक है, उसमें फिर GST लगता है, तो ऐसा कुछ होता है। और बाकी सब चीज़ जो है ना, बाकी जो भी है वो सब कुछ और बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है वगैरह वगैरह वगैरह। विजय क्या कैंपस एरिया है 32 एकड़, नहीं 16 एकड़, ठीक है, और COEP का जो है ना वो 32 एकड़, डबल है कैंपस COEP का, और उसमें भी फिर हॉस्टल आ जाता है, ठीक है, तो वही सब है, मैस एरिया आ जाता है। तो विजय क्या कॉलेज जो है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट फंडेड, तो इसलिए सारे काम जो है ना आराम आराम से होते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन जो है ना बहुत टाइम से चल रहा है और अब तक चल ही रहा है। ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस, तो इसका मतलब समझा देता हूँ क्या होता है। तो ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि सब कुछ खुद ही कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई बाहर का इंटरप्शन नहीं है, मतलब कॉलेज के प्रोफेसर जो है ना वही पूरा तुम्हें मार्क्स देंगे, टेस्ट वो लेंगे, पेपर वो चेक करेंगे, चेक भी वही करेंगे, ठीक है, और फिर जो रिजल्ट है ना वो भी वही प्रोड्यूस करेंगे, सब कुछ वो करेंगे, तो कोई भी बाहर का एक्सटर्नल जो है ना वो तुम्हारे कॉलेज में नहीं आएगा, तुम्हारी एग्ज़ाम नहीं लेगा, ऐसा कुछ भी, ठीक है। और नॉन ऑटोनॉमस में क्या होता है कि भाई प्रोफेसर बाहर का आएगा, ठीक है, पेपर चेक करने के लिए बाहर जाएंगे, मुंबई यूनिवर्सिटी पेपर चेक, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी जो है ना वो तुम्हें पेपर देगी कि भाई ये पेपर आना चाहिए तुम्हारे एग्ज़ाम में, और फिर
एक्सटर्नल चाहिए, वाइवा लेने, ये सब ठीक है, सब कुछ होता है। फिर ये लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इंस्टीट्यूशन राउंड जो है वो विजय क्या में होता है या नहीं होता है। तो नहीं होता है, ठीक है, विजय क्या में स्पॉट राउंड होता है, इंस्टीट्यूशन राउंड नहीं होता। डन, ठीक है। एक्सक्यूशन, और अगर तुम्हें कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में, तो मिलते तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। और तुम विजय क्या का जो व्लॉग है वो चेक कर सकते हो, मैंने बनाया है, ठीक है। तो ज़रा कमेंट करना कैसा बना था वो, और ज़रा लाइक कर दो यार, सच में मेहनत लगी थी उसमें, फिर भी 4 से 5 ही लाइक आए, सच में इतने कम लाइक।